subscribe my channel and be my best friend, and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है वो मेरी है TLM की वंडर स्टिक के बारे में, ठीक है। कैसी है, कैसा वर्क करती है, कितने तक की मिलेगी, सारी चीज़ें आज आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड गाइस, डू सपोर्ट मी एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है वंडर स्टिक, ठीक है, हाईलाइट एंड कंटोर स्टिक। एक साइड आपको इस तरीके से मिलेगा कंटोरिंग कलर और एक साइड आपको मिलेगा हाईलाइट। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये आ गया कंटोर, ये गया हाईलाइट एसेंट, ठीक है, TLM वंडर स्टिक। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है पॉइंट नेट वेट इसका जो है वो 0.14 oz 4g ईच, यानी कि 4 ग्राम आपको ईच में मिलेगा। यहाँ पे 4 ग्राम मिलेगा और यहाँ पे हाईलाइट का जो आपके मिलेगा आपको बुलेट वो 4 ग्राम का होगा और ये भी 4 ग्राम का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कुछ स्टेप्स इसके दिए हुए हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। सो अप्लाई हाईलाइट स्टिक इन चेक बोन्स, मिडल ऑफ द फोरहेड, अंडर आइज, डाउन द सेंटर ऑफ योर नोज, ऑन द ब्रो बोन एंड अलोंग द जॉ लाइन, ठीक है। मैं पिक अटैच कर दूंगी कि आपको कंट्रोल स्टिक का जो कलर होगा वो ब्राउन होगा और हाईलाइट का कलर जो होगा वो फाउंडेशन का जो कलर होता है उससे थोड़ा सा लाइट हम वैसे यूज़ करते हैं तो आप वो होगा, तो मैं पिक अटैच कर दूंगी। सो गाइज, इस पिक में आप देख सकते हैं कि आपका ट्रायंगल शेप, हर्ट शेप, ओवल शेप, सर्कल, स्क्वायर, जो भी आपका शेप हो उस पर किस तरीके से कंट्रोल आप कर सकते हैं। सो गाइज, आपने पिक में देखा होगा तो इस तरीके से जो है वो इसको यूज़ करना है, कंट्रोल स्टिक को अपने फेस को कंट्रोलिंग के लिए और हाईलाइट को हाईलाइट एरियाज पर, जैसे कि आपने पिक में देखा, ठीक है। सो यहाँ पे दो जबानों में लिखा हुआ है, एक तो इंग्लिश और दूसरी डोंट नो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी जो है वो बताया हुआ है प्रेप और बेस हाईलाइट एंड कंट्रोल एसेंट एट कंटोर, यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा जो है वो बताया हुआ है। सो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे भी दो इंग्लिश में दिए हुए हैं और दो डोंट नो दूसरी लैंग्वेज है। हाईलाइट एंड कंट्रोल एसेंट यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मंथ्स। नॉर्मली 12 मंथ्स होता है लेकिन इस पर दिया हुआ है 18 मंथ्स के, और यहाँ पर मेड इन PRC लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी बात यह कि एक्सपायरी डेट मैंशन है, इसके जो है मैनुफैक्चरिंग डेट इसकी यहाँ पर 2018 है, आई होप आप देख सकते हो, और एक्सपायरी डेट जो है वो 2023 है, ठीक है गाइस। तो ये एक्सपायरी जो है वो 2023 है। सो आप इसको 5 ईयर्स ईजीली आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की कार्डबोर्ड की है, ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम 10। तो गाइस, ये तो इसकी आउटर पैकेजिंग हो गई, अब हम इसकी इनर पैकेजिंग की बात करेंगे। ऐसी कंट्रोल स्टिक आती है नेक्स की भी, वो भी अच्छी होती है। सो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। सो ये अंदर से इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। ये आपको यहाँ पर भी आपको इसके साथ एक अदद मिलेगा कैप, और यहाँ पर भी आपको इस टाइप का एक अदद मिलेगा कैप, ठीक है। सो इसकी पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की, अंदर भी जो है वो सब कुछ इसके बारे में मेंशन है। अगर आप इसका बॉक्स डिस्कार्ड कर देते हैं तो ये आपको जो है वो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसके जो है वो 18 मंथ्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नेट वेट वगैरह सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, मैं अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी मेहंदी लुक जो क्रिएट किया था, कोई कंसीलर वगैरह मैंने उसमें यूज़ नहीं किया था और ना ही कोई मैंने कुछ और यानी कि फाउंडेशन वगैरह यूज़ किया था, उसमें मैंने यही स्टिक का ये वाला शेड जो है वो मैंने इसमें यूज़ किया। देखना चाहते हैं इसकी पिगमेंटेशन आई के ऊपर किस तरीके से कंसीलर करता है, सो आप देख सकते हैं मेरी वो वाली वीडियो और आप उसमें अच्छे तरीके से देख लेंगे कि इसने मेरी आई को किस तरीके से अच्छे से कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। इसको मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ी सी इस टाइप की है, बाकी ये फुल पैक्ड आती है। बाकी ये कंट्रोल वाला स्टिक भी जो है वो आपको इतनी ही 4 ग्राम ही मिलेगी, ठीक है। सो मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए इस तरीके से हो रही है। गाइस, आपको मैं बता दूँ कि मैंने कितने की ली है, जस्ट मैंने गाइस ये ली है 150 की। सो गाइस, ये थी, मैं आपको इसकी जो है वो टेक्सचर वगैरह मैं बता देती हूँ। तो ये जो है बिल्कुल नेचुरल लगता है आपके फेस पे, बिल्कुल ईजीली ये देखें ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंडेबिलिटी में कोई इशू नहीं है इसकी, ये देखें मज़े से ब्लेंड हो जाता है। फिंगर की मदद से आप इसको ब्लेंड करें हो जाएगा, ब्रश की मदद से हो जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी हो जाएगा, मैं भी आपको करके भी दिखा देती हूँ। और ये हमारा हाईलाइट का कलर है, सो आप ये देख सकते हैं हाईलाइटर। अपनी स्किन टोन से हमेशा थोड़ा सा लाइट ही यूज़ करें और हाई पॉइंट्स पर ही जो है वो यूज़ करें, जैसे कि आपने पिक में देखा, ठीक है। सो ये भी आप देखें कितना ईजीली ब्लेंड हो जाता है, ठीक है।
सो मैं अभी आपको ब्यूटी ब्लेंडर से भी जो है वो ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। ये आ गया हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, इग्नोर इट, ये मेरे बेटे चूहे साहब ने जो है वो सो कुतरा है खाया है, काटा है, वॉट एवर यू से। ये कंटोर कलर आ गया इसका, जो कि इंतहा नेचुरल और ख़ूबसूरत है। और ये आ गया इसका हाइलाइटिंग कलर, ठीक है, सही है। सो अब ये है ब्यूटी ब्लेंडर, ये देखें आप, देखें कितना खूबसूरती से इसने ब्लेंड कर दिया है, ये देखें बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर है, आप लगाने से ही देख लें, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी जो है ना वो लोकल जो होती है ना, घिसते रहो और बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देखें आप, सिर्फ टच में कर रही हूँ और ये कितने मज़े से ब्लेंड होता जा रहा है, ये देखें कैसे मज़े से ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। सो या गाइस, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा जो है वो इसका क्रीमी टेक्सचर है, बस हाथ लगाओ बस यूँ जा रहा है, हाथ लगाओ बस यूँ जा रहा है, ये मज़े से जो है वो ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। गाइस अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी स्किन के लिए बेस्ट रहने वाला है। मेरी रिकमेंडेशन यही है, मैं यही रिकमेंड करूँगी ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है ये, तमाम तर स्किन जो हैं वो इसको ईजीली यूज़ कर सकती हैं, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूं तो इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और जो है इसकी फ्रेगनेंस जो चमेली का फूल नहीं होता, जो वाइट कलर का फूल होता है, जो छोटे छोटे से फूल होते हैं, सो इसकी खुशबू बिल्कुल उसकी तरह है और बहुत ज़्यादा नहीं है जो आपको इरिटेट करे, सेंसिटिव स्किन को जो है वो खुशबू वाली चीज़ें इरिटेट करती हैं, तो बिल्कुल भी ये ऐसी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी। अब अगर आप इसको सूंघें करीब से जाकर या इसके ऊपर गौर करें तब आपको हल्की सी चमेली टाइप की खुशबू आएगी, अदरवाइज़ अगर आप गौर ना करें तो ये बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगी। और बहुत ही हार्श जो है वो इसकी फ्रेगनेंस है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है वो इसकी खुशबू नहीं, अगर आप गौर करेंगी सूंघेंगी बाकायदा इसको तो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी बिल्कुल जो है वो ना खूबसूरत सी प्यारी सी फ्रेगनेंस जो है वो चमेली की तरह की आएगी। और तमाम तर स्किन की जो लड़कियाँ हैं वो इसको ईज़िली जो है वो मेरे ख्याल में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी स्किन के बेहतर में बारे में ज़्यादा बेहतर जानती हैं, मेरी जो है वो ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है और मेरे लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है। सो ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन को तो मैं डेफिनेटली जो है ये रिकमेंड करूँगी कि वो इसको ईजीली यूज़ कर सकती हैं। बाकी ड्राई स्किन गर्ल्स भी इसे जो है वो नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन स्किन गर्ल्स भी जो है वो इसे ईजीली यूज़ कर सकती हैं। सो या गाइज, ये थी मेरी आज की कंट्रोल एंड हाइलाइटिंग स्टिक के बारे में वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में लाजमी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।